मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित मुख्य सचिवालय पहुंचे और राजधानी जलाशय का भ्रमण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम भी सीएम के साथ मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जलाशय से जुड़ी कई जानकारियां भी ली। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी सिंह का जन्मदिन मनाया गया। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मोकामा प्रखंड के कसहादियारा पंचायत को बेगूसराय जिले में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों ने धरना दिया। धरना दे रहे ग्रामीणों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पोटका में नया ग्राम के किसान बिजली के तार से बेहद परेशान है। खेत के ऊपर बिजली का तार होने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। जमुई के झाझा नगर पंचायत को अपग्रेड करवाने के लिए बुद्धिजीवियों ने सचिवालय में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सचिवालय द्वारा आगामी कार्य योजना में झाझा को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग की। मसौढ़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में एक महिला के गायब होने का मामला सामने आया है। महिला के भाई का कहना है कि दहेज के लिए उनकी बहन को प्रताड़ित किया जाता था। मसौढ़ी पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही पाली मुख्य मार्ग पर देर रात वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सब्जी से लदे पिकअप में जावा महुआ छिपाकर ले जा रहे चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छपरा के बंगरा मिडिल स्कूल में गांव में सालों से चले आ रहे जमीनी विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। विवाद में जमकर लाठी डंडे बरसे, वहीं इस घटना में कई लोग जख्मी हो गए। सरायकेला में आदित्यपुर थाना पुलिस ने फायरिंग के आरोपी बजरंग नायक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। कैमूर के भभुआ स्थित डीएवी स्कूल में परीक्षा के दौरान प्रश्न का उत्तर नहीं दिखाने पर उसके ही कक्षा के दूसरे छात्र ने बाहरी लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया। राजनगर में स्वर्गीय सहदेव महतो की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कई लोगों ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। मुजफ्फरपुर में जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान देकर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान डीएम ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं। बाढ़ के रैली गांव में नल जल योजना में हुई धांधली की खबरें दिखाए जाने के बाद पंडारक बीडीओ ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वही नल जल योजना का जीर्णोद्धार भी शुरू कर दिया गया है। यह मामला मेरे संज्ञान में कल ही आया है। मैं इसके प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से उच्च स्तरीय जांच करवा कर इसमें अगले तक जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई मैं करवाऊंगा। छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के जलाल बसंत गांव से लापता शख्स का शव तालाब से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक मितलाल राय 7 दिनों से लापता था। नए कृषि बिल के विरोध में दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के सदस्यों ने मशाल जुलूस निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि बिल वापस लेने की मांग भी की। पटना के फुलवारी शरीफ में नगर परिषद अध्यक्ष आफताब आलम के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 325 वेंडरों के बीच वेंडर कार्ड और वेंडर सर्टिफिकेट बांटा गया। इस वेंडर कार्ड से वेंडरों को 10,000 का लोन कम ब्याज दरों पर मिल सकता है। 7 साल की बच्ची का अपहरण कर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुनाई कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना पटना से सटे विक्रम के बेगवा गांव की है।